एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 120 क्वेश्चन नंबर 7 इफ एक्स प्लस 3 एंड एक्स माइनस 2 इज द एच सी एफ ऑफ पोलिनोमियल फर्स्ट पोलिनोमियल दैट इज एक्स प्लस 3 इंटू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस के एंड क्यू ऑफ एक्स विच इज सेकंड पोलिनोमियल विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस एल. ये एल है, इसको जरा देख लीजिएगा बुक में, ठीक है, इसको 1 ना कंसिडर कीजिएगा. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड के. तो ये हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं, पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स, और ये हमें एच सी एफ गिवन है ऑलरेडी. तो हमने इस एच सी एफ की वैल्यूज़ इन दोनों पोलिनोमियल्स में अल्टरनेटिवली पुट करनी है, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और एल की वैल्यू फाइंड करनी है. अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो एच सी एफ है ना, बेसिकली दीज आर द फैक्टर्स ऑफ पी एफ एक्स एंड क्यू एफ एक्स, ये फैक्टर्स होते हैं. तो एच सी एफ में अगर आप देखें इसकी वैल्यूज़ में, तो आप देखेंगे कि ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 है. तो ऑफकोर्स जो सेम वैल्यूज़ होंगी तो वो तो कैंसिल कर देंगी ना. एक्स प्लस 3 को अगर आप एक्स प्लस 3 वाले पॉलीनोमियल में पुट करते हैं तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा आंसर, और ज़ीरो से आपका के जो फाइंड करना है, जो वेरिएबल फाइंड करना है, कांस्टेंट नंबर एक फाइंड करना है, वो भी हमारा ज़ीरो हो जाएगा. तो हम इसकी सेम वैल्यूज़ इसमें पुट नहीं करेंगे. तो डेफिनेटली अगर हम पी एफ एक्स की बात करें तो इसमें हम एक्स माइनस 2 को पुट करेंगे, और क्यू एफ एक्स में हम एक्स प्लस 3 को पुट करेंगे. तो सेम वाली वैल्यूज़ को पुट नहीं किया जाएगा चूंकि ये इसके फैक्टर्स हैं. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करूँ तो ज़रा गौर से देख लीजिएगा फर्स्ट का, कि मैं एक्स प्लस 3 है ना फर्स्ट पी एफ एक्स में, तो मैं इसमें एक्स माइनस 2 को पुट करूँगा. एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 0 वाइल एक्स इज इक्वल टू 2. अब ये पी एफ एक्स की जगह मैं फिर इसकी वैल्यू पी एफ 2 पुट करूँगा, यहाँ पर ब्रैकेट में एक्स को रिप्लेस करूँगा मैं 2 से, 2 प्लस 3, लार्ज ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस के एज इट इज़ रहेगा. तो ये स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने पी एफ एक्स में एक्स माइनस 2 को पुट किया, और इसी तरह क्यू एफ एक्स में मुझे एक्स प्लस 3 को पुट करना होगा. ये ज़रा आपने माइंड में रखिएगा, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 वाइल 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, 4 टू टाइम 8 माइनस 3 टू टाइम 6 प्लस के 5 इंटू 8 माइनस 6 विल बी इक्वल्स टू 2 प्लस के. अब चूंकि हम के की वैल्यूज़ के करीब आ चुके हैं तो हमें इसके रिमाइंडर को इक्वल्स टू 0 करना होगा. 5 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 5 टू टाइम 10 हो जाएगा, प्लस 5 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के आ जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0. 10 प्लस है राइट साइड पे, इसको आप ट्रांसफ़र कर दें तो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 एंड के विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, सो के इज़ इक्वल टू माइनस 2. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास के की वैल्यू आ चुकी है, इसका आंसर आ चुका है. अब आपने क्या करना होगा इसी क्वेश्चन में, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू में से एल को फाइंड करना है. आपको सिंपली करना ये होगा, इसमें एक्स प्लस 3 पुट करेंगे, जैसे मैंने पी ऑफ एक्स में एक्स माइनस 2 को पुट किया, आप लोग q ऑफ x में x प्लस 3 को पुट करें और इसकी वैल्यूज़ को इसी तरह सॉल्यूशन करें, आखिर में रिमाइंडर 0 करें और l की वैल्यू को फाइंड करें और इसको मैच करें अपनी बुक के आंसर के, बुक के लास्ट पे दिए हुए कि क्या वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा. मेरा आंसर भी चेक करें, अपना आंसर भी कंप्लीट करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा.